हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीएसएससी के द्वारा जो इंटरमीडिएट क्लर्क की सिलेबस आई है, जिसमें कि 11,098 पोस्ट है, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, किन किन सब्जेक्ट को पढ़ना है पीटी और मेंस के लिए, पूरी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। देखिए, टोटल 600 नंबर का एग्जाम आपसे कंडक्ट कराया जाएगा। सारी जानकारी आपको देंगे ऑफिशियल पीडीएफ के माध्यम से। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहाँ मिलेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय द वे, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा और तीनों क्वेश्चन का सही जवाब आपको देना है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने गिराया था, ध्वस्त किया था या खत्म किया था, वो आपको नीचे बताना है कमेंट सेक्शन में। नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने बर्बाद किया? दूसरा सवाल, x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? और तीसरा सवाल आपको ये बताना है, बिहार से कटकर जब झारखंड अलग हुआ तो आपको बताना है वो डेट कौन सी थी, उस डेट को आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 3 सवाल आप लोगों से मैंने पूछ लिया। अब देखिए, बस इतना ही पढ़ना है टॉपिक वाइज सिलेबस में। जो पीटी का एग्जाम है, यानी कि जो पहला एग्जाम लिया जाएगा, वो एग्जाम जो क्वालिफाई करेंगे उन लोगों को ही यहाँ पे जो है बुलाया जाएगा। यानी कि लगभग जो है 55,000 के पास जो है लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। 5 गुना रिजल्ट दी जाएगी पीटी में, ठीक है। तो चलिए ऑफिशियल पीडीएफ को ही ओपन कर लेते हैं और सिलेबस को हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या सिलेबस में पूछे जाएंगे। यहाँ से आप देख लो, अब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ। यहाँ से देखो, थोड़ा एज क्राइटेरिया के बारे में जान लीजिए। मिनिमम एज जो है 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज जो है 37 यानी कि 37 साल तक रख दी गई है। अनरिजर्व कैटेगरी की बात हो रही है, महिलाओं के लिए 40 साल एज रखा गया है। और अगर आप पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला से आते हैं तो 40 साल वहां भी एज रखी गई है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 साल उम्र रखी गई है। ये तो एज क्राइटेरिया हुआ जो कि मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, यहां से आपको दिखेगा परीक्षा की प्रकृति, यानी कि जो एग्जाम लिया जाएगा वो किस तरह से लिया जाएगा। वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू फॉर्म में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ऑप्शन आपको मिलेंगे, क्लियर है। अब देखिए, 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्राइमरी एग्जाम लिया जाएगा, जो कि ऑब्वियस है, वेरी ऑब्वियस है कि एग्जाम जो है 40,000 पद से ज्यादा जो है फॉर्म गिरना ही गिरना है, यानी फॉर्म तो आएगा ही आएगा। और देखिए, इन्होंने बता दिया कि मेंस का एग्जाम जब भी लिया जाएगा तो 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। अगर 11,000 पोस्ट के लिए नौकरी आई है तो 55K यानी कि लगभग 55,000 जो है लोगों को मेंस में शामिल होने का मौका मिलेगा। अब एक एक करके देख लेते हैं। पीटी में जो है एक पत्र जो होगा सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें क्या क्या पूछा जाएगा। जीके पूछा जाएगा, साइंस पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा और मानसिक क्षमता जांच में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से सवाल पूछे जाएंगे। क्लियर हो गई बातें। अब देखिए, प्रश्न जो होगा बहु वस्तुनिष्ठ और बहु विकल्पीय होंगे, अच्छी बात है। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी, प्रत्येक प्रश्न की संख्या कितनी होगी? 150। और सही जवाब देने के लिए आपको जो है 4 अंक दिए जाएंगे, गलत जवाब देने पे 1 अंकों की कटौती की जाएगी, नेगेटिव मार्किंग है। एग्जाम में कुल कितना समय मिलेगा? 2 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सामान्य अध्ययन में देखिए क्या पूछा जाएगा। यहाँ पे देख लो, स्पष्ट रूप से जो है लिख दिया गया है। यहाँ से देखो, समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर्स आपसे पूछ लिया जाएगा। याद रखिएगा, क्या पूछा जाएगा? करंट अफेयर्स आपसे पूछ लिया जाएगा। ऑलराइट, आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या पूछा गया है। भारत और उसके जो पड़ोसी देश हैं, यानी कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है? पाकिस्तान है, चाइना है, भूटान है, भूटान के बगल में बांग्लादेश भी आपको देखने को मिलेगा, श्रीलंका भी है। तो इनसे सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य से सवाल पूछे जाएंगे, स्वतंत्रता आंदोलन से सवाल पूछा जाएगा, भारतीय कृषि से सवाल पूछा जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, भारत का संविधान क्या है, भारत का राज्य व्यवस्था क्या है, देश की जो राजनीतिक प्रणाली है, चुनाव जैसे कंडक्ट कराए जाते हैं उनसे सवाल पूछा जाएगा, पंचायती राज क्या होता है, सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना के बारे में सवाल पूछा जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का क्या योगदान था, यानी कि जो भारत को आज़ादी मिली उसमें बिहार के कौन कौन महापुरुषों ने जो है अपनी जान की आहुति दी और क्या क्या अच्छे अच्छे जो काम हैं उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। समान विज्ञान की बात करें यानी कि साइंस की बात करें तो देखिए, मैट्रिक लेवल के क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी भी इसमें शामिल रहेगा। गणित की बात करें तो देखिए, गणित में जो है सवाल कहाँ से पूछे जाएंगे, संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न रहेगा, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन रहेगा, दशमलव रहेगा, भिन्न रहेगा और संख्याओं के बीच का जो परस्पर संबंध है, मूलभूत संख्या है, गणितीय संक्रियाएं हैं, उससे सवाल पूछा जाएगा। प्रतिशत,
अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो प्रपोर्शन परसेंटेज से सवाल पूछा जाएगा, एवरेज से सवाल पूछा जाएगा, ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट भी आप इसमें जोड़ लो, और प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि से भी सवाल पूछा जाएगा। आगे देखिए सामान्य क्षमता यानी कि जो रीजनिंग है उससे सवाल क्या क्या पूछे जाएंगे, तो यहाँ से देख लो सादृश्य समानता विभिन्नता वाले सवाल पूछे जाएंगे, स्थान कल्पना से सवाल पूछे जाएंगे, समस्या समाधान विश्लेषण, दृश्य स्मृति विभेद अवलोकन, संबंध अवधारणा से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कूट वाला जो सवाल होता है वो भी पूछा जाएगा यहाँ पे। अब क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 40% आपको अंक लाना होगा, अगर आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 36.5, अगर आप अति पिछड़ा वर्ग से आते हो तो 34%, अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए 32%, महिला सभी वर्गों के लिए 32%, दिव्यांग सभी वर्गों के लिए 32% जो है नंबर होगा। एग्जाम डेट जो है 27/9 यानी कि 27 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 11 अक्टूबर तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस देख लो bssc.bihar.gov.in से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। सारी जानकारी मैंने दे दी। बाय द वे कोई डाउट रहता हो आपका तो नीचे कमेंट करके आप जो है मुझसे सवाल पूछ सकते हो। वीडियो को अगर आपने यहां तक देख लिया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा जय हिंद लिखते हैं अपने देश के नाम, और मुझे भी पता चल सकेगा वीडियो आपने यहां तक देखी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों सहेलियों तक शेयर करें, साझा करें, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।